हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मास्टर मिनट टेक। और ये रहा मेरे पास एसुस का 6Z। गाइस हम करेंगे आज पबजी ड्रेन टेस्ट। फोन की बेसिकली जो बैटरी है उसको 100 से लेके 0 तक पबजी खेल के ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गाइस सबसे इंटरेस्टिंग थिंग इस फोन में मुझे ये लगता है कि इसका 5000 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 855। तो पहले मैं आपको बैटरी स्टेटस दिखा दूँ तो देख सकते हो कि 100% फुल चार्ज किया हुआ है फोन को। तो गाइस यहाँ पर मैं भाई आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले गाइस हम खेलेंगे फोन मोबाइल से, मतलब जियो के इंटरनेट पे खेलेंगे, बेसिकली मोबाइल डेटा पे खेलेंगे। वाईफाई पे खेलोगे तो थोड़ा सा आपका बैटरी बचेगा। लोकेशन जो है उसको मैं ऑन करके खेलने वाला हूँ, बिकॉज हम डे टू डे जो है लोकेशन यूज़ करते हैं, एंड लोकेशन जो है वो भी एक मेन रीज़न होता है फ़ोन की बैटरी को ड्रॉप करने का। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो ब्राइटनेस है उसको मैं फुल करने वाला हूँ, एकदम मैक्स जितना भी आपको मिल जाता है उतना मैं मैक्स करके ब्राइटनेस में गेम को खेलने वाला हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, जैसे आप हाफ ब्राइटनेस में या थोड़ा सा कम ब्राइटनेस में खेलोगे, वाईफाई में खेलोगे, अगर आप दो जैसे इसमें डुअल सिम है तो मैं अगर एक सिम पे खेलूँ लोकेशन बंद करके खेलूँ तो आपको और भी 40 मिनट तक का, शायद तक 30 से 40 मिनट तक आपको एक्सटेंशन देखने मिल जाएगा बैटरी पे। तो गाइस पबजी को मैंने स्टार्ट कर दिया है और देखो साइड में मैंने रियलमी 3 प्रो में टाइमर लगा दिया है। तो चलो पबजी को ड्रेन टेस्ट करते हैं। और गाइस एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पबजी की सेटिंग है वो मैक्स सेटिंग रहेगी। मैक्स मतलब मैक्स जो भी हमें मिलता है इसमें HDR और एक्सट्रीम फ्रेम रेट के साथ। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a fall, to get up. स्टार्टिंग में दिखाना भूल गया था पबजी का सेटिंग, तो आप अभी एक बार देख लो। तो हमारे जो सेटिंग्स है वो इस तरह से कुछ है कि हमें HDR की देखने मिल जाता है, ग्राफिक सेटिंग्स, और हमें फ्रेम रेट्स देखने मिल जाता है अल्ट्रा। तो चलो अब गेम को कंटिन्यू करते हैं और मैं सारे मैक्स सेटिंग जितने भी आपको रेंडरिंग वाले सामान है उसको मैं सबको ऑन कर दे रहा हूँ ताकि गेम में या फिर यूँ कहूँ कि पबजी में थोड़ा सा प्रेशर पड़े और बैटरी थोड़ा सा और ड्रॉप हो। To you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth.
यहाँ पर आधे घंटे का जो खेल है उसको समाप्त करते हुए अब जरा बैटरी पर नजर डाल लेते हैं कि आधे घंटे में जो बैटरी है वो कितना ड्रॉप हुआ है। तो आधे घंटे बाद जो बैटरी परसेंटेज करंटली अवेलेबल है इस फोन में वो है 89%। तो ये काफी इंप्रेसिव और देखते हैं कि आगे चल के ये कितना देर तक देगा। और गाइस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप मेरा वीडियो एंड तक देखना या लास्ट में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा इस फोन के बारे में जो शायद आपको काफी हेल्पफुल रहे। दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमने एक घंटा जो है वो गेम प्ले खत्म कर दिया है और अभी एक घंटे बाद जो बैटरी लेवल हमें करेंटली इस फोन में अवेलेबल देखने मिल जाता है वो है, एक बार जरा मैं भी देख लूँ कितना है भाई, दिख नहीं रहा है, ओके वो है 81%, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। एंड अभी पता चल रहा है कि 5000 mAh कितना पावरफुल होता है। चलो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. So, alright guys, यहाँ पर दो घंटे का जो खेल है उसको समाप्त करते हुए अब जो बैटरी इस फोन में बची हुई है पूरे दो घंटे बाद वो है, हम जरा देख लेते हैं, 60%। यार ये तो इनक्रेडिबल है, लाजवाब है यार, दो घंटे बाद भी 60%, मतलब बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। इससे तो एक आइडिया साफ साफ है कि ये तक तो 4 घंटे से ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन कितना चलेगा चलो देखते हैं। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. यहाँ पर अभी 3 घंटे का जो खेल है उसको समाप्त कर दिया हमने पबजी में और अब 3 घंटे बाद जो अचीवमेंट, मतलब जो बैटरी स्टेटस करेंट हमें देखने मिल जा रहा है वो है कितना है भाई, एक मिनट जरा मुझे दिख नहीं रहा है बराबर,
एक बार हम बैटरी सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि वो कितना है, एंड जो बैटरी है वो 38% बचा हुआ है भाई, 3 घंटे बाद 38% काफी अच्छा है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। Music till the wick burns out. तो दोस्तों 4 घंटा गेम प्ले कंप्लीट कर लिया हमने पबजी का, और बैटरी जो बचा हुआ 15% है। इसमें एक चीज अच्छा है कि आपका बैटरी 15% से भी कम हो जाए तो भी यार आपका जो गेम है वो उतना ही स्मूथ चलता है। कभी कभार कोई फोन में होता ना कि 15% से ज्यादा गिर जाता तो फिर वो गेम लैग होने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, तो आप गेम प्ले आफ्टर 15% भी उतना ही एंजॉय करोगे जितना पहले कर रहे थे। तो यार दोस्तों इतने मेहनत करने के बाद फाइनली इस फोन ने अपना जवाब दे ही दिया, और इसकी जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने ही वाली है, और हो गई। यार मुझे इस बंदे को मारना था पर मुझे मारने नहीं दिया, पर कोई बात नहीं यार। मैं बोलूँ तो यार इसकी 5000 mAh बैटरी स्नैपड्रैगन 855G ने जो मुझे दिया है, मतलब जो बैटरी बैकअप दिया है, वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इमेजिन, मतलब कौन सी इंग्लिश भाषा बोलूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा यार। बहुत 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 ही बढ़िया, और इसके लिए तो मैं खुद वीडियो के एंड में ताली मारूंगा इस चीज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसकी जो बैटरी चली है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं टाइमिंग। यार उसके पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। गाइस क्या होता है ना कि जो फ़ोन होता है, अगर जैसे कि आप इसको किसी भी नॉर्मल 5000 mAh की फ़ोन के साथ कंपेयर करोगे तो यार ये कंपेरेबल बनता नहीं है, बिकॉज इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन 855 जिसका जो क्लॉक स्पीड है वो काफ़ी हाई है, GPU जो है वो काफ़ी हाई है, उसकी रेंडरिंग काफ़ी पावरफुल है। तो इसकी वजह से अगर आप दोनों को किसी भी सेम 5000 के फ़ोन को कंपेयर करोगे तो यार वो कंपेरेबल बनता भी नहीं है, बिकॉज इसमें जो प्रोसेसर जो चिपसेट लगे वो ऑलरेडी बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। पर इसने फिर भी जो हमें स्टैंड बाई दिया है वो है लगभग 4 घंटा 54 मिनट्स, मतलब 4 hours 54 मिनट, OMG, मतलब वाओ, मतलब वाओ, मतलब वाओ। गेमर्स के लिए फोन बहुत ही बढ़िया है, आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो ऐसा गेमिंग के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना प्लीज इतने मेहनत करने के बाद नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कर देना यार प्लीज। मिलता अगले वीडियो में, देख के ध्यान रखिएगा, बाय बाय।